लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के प्रसार को तो रोका है लेकिन देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। ऐसे में सरकार के सामने लोगों को कोरोना महामारी और उनके आर्थिक नुकसान दोनों से निपटने की चुनौती है इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होना चाहिए किसान प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए राहुल गांधी ने कहा कि सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं पैसों की जरूरत है बच्चा जब रोता है तो माँ उसे लोन नहीं देती है उसे चुप कराने का उपाय निकालती है उसे ट्रीट देती है ऐसे में सरकार को साहूकार नहीं माँ की तरह व्यवहार करना होगा उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सरकार विपक्ष और मीडिया सभी को मिलकर काम करना चाहिए और प्रभावित सभी लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार को सीधे पैसे भेजने चाहिए चलिए समय यहां पर एक ब्रेक का है कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं